केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने इस ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष महरिया ने कहा, किसानों के लिए बनाया कानून किसान ही नहीं चाहता है तो केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्यों हठधर्मिता अपनाए हुए है। महरिया ने बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार काले कानूनों को तत्काल रद्द करे। इस दौरान रैली पिपराली चौराहा से होते हुए गोकुलपुरा बाईपास, जयपुर रोड, कृषि मंडी, बजरंग काटा, दो नंबर डिस्पेंसरी, जाट बाजार, स्टेशन रोड होते हुए कल्याण सर्किल पहुंची। इस दौरान रैली का शहर कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर फूल बरसाकर के स्वागत किया। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। में गणतंत्र दिवस की सर्वप्रथम शुभकामनाएं। आज सर्वप्रथम हम उन सेनानियों को, उन वीरों को नमन करना चाहेंगे जिनके कारण से आज 72 साल से हम आजादी में घूम रहे हैं। लेकिन किसान को आजादी अभी तक नहीं मिली है। किसान ने आज से 2 महीने से पहले जो बिल केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए, कानून का जामा पहनाया गया, उसकी मांग किसान के द्वारा नहीं की गई थी। पूरे देश के सभी स्टेट्स में किसी किसान संघ ने, किसी किसान यूनियन ने कि भाई ये बिल हमारे ऊपर थोपे जाएं या इन बिलों की हमें जरूरत है, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। केंद्र की सरकार ने उसके बावजूद जिस प्रकार से बिल पूरे देश के किसानों के खिलाफ पार्लियामेंट में पास करके जो थोपे गए हैं, उसका पूरा देश विरोध कर रहा है। अकेला किसान ही नहीं, मजदूर, छोटा व्यापारी, सभी 36 कौमों के लोग उसके विरोध में है। क्योंकि सबको पता है कि जो अनाज आज 25 रुपए किलो मिलने वाला है, अडानी और अंबानी के द्वारा और उन जैसे अनेक ग्रुपों के द्वारा वो अनाज आने वाले टाइम में हमारे मजदूर के ऊपर 80 से 100 रुपए किलो के ऊपर जाएगा। इसलिए आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा, कोई पार्टीबाजी नहीं, हम सब किसान जो हैं इस देश में 70 करोड़ किसान निवास करते हैं, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से पूरे देश में जो किसान संघर्ष समिति का व्यापक जन आंदोलन शुरू किया है, दिल्ली में 6 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। सोचा नहीं उससे 4 गुने 5 गुने ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। देश के 735 जिलों में हर जिला मुख्यालय के ऊपर ट्रैक्टरों का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के हमारे जितने 6,500 ब्लॉक पंचायतें हैं, वहां पर ट्रैक्टरों का हुजूम उमड़ा हुआ है। देश की 2,45,000 ग्राम पंचायतों में हर जगह पर ग्राम पंचायतों के द्वारा प्रस्ताव लिए जा रहे हैं कि किसान इन बिलों को सहन नहीं करेगा, तुरंत प्रभाव से इन बिलों को, हम जिनका विरोध करते हैं उनको वापस लिया जाए, किसान को MSP मूल्य दिया जाए, किसान की खरीद किसान को शर्तों के आधार के ऊपर, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट ने हमें कहा कि आपको किसानों को निश्चित रूप से एक व्यापारी के रूप में जिस तरह से सहूलियत दिए जाते हैं, वो तो दूर हमसे छीना जा रहा है। पूरे देश का किसान एकजुट है, दुनिया का 6ठा हिस्सा लिए हम बैठे हैं। दुनिया के 130 करोड़ों का ये देश, किसान जो हमारा अन्नदाता है, उसके साथ खड़ा है। इसलिए केंद्र सरकार को तुरंत बिल वापस लेने चाहिए, किसानों की आवाज सुननी चाहिए, आम आदमी, आम मजदूर, आम गरीब, आम छोटे व्यापारी की बात सुननी चाहिए। कुछ पैसे वाले लोगों के हाथ में खेलकर जिस तरह का कुठारा घात किया जा रहा है, उसका हम संपूर्ण विरोध करते हैं। आज सीकर में एक दिन के आह्वान पर आप देखेगा कि सीकर के कम से कम 1500 से ज्यादा ट्रैक्टर शाहजहांपुर बॉर्डर पे हमारे गए हुए हैं। एक दिन के आह्वान पर जो सैलाब आप देख रहे हैं, मैं सबसे पहले उन ट्रैक्टर के, हमारे जो किसान भाई ट्रैक्टर लेकर आए हैं, उनका साधुवाद करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक छोटी से न्यूते के ऊपर जिस प्रकार से एक एक गांव से 10-10, 20-20 लोग आए हैं, एक एक गांव से 50-50, 60-60 ट्रैक्टर, 100-100 ट्रैक्टर लेकर जो एक किसान भाई आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ।